हेलो एवरीवन, शाम के कितना बजे है? गलत टाइम नहीं बताना चाहिए ना, 4:20 है ना, 3:50 होना है। हमारा उल्टा टाइम देख लिया था, तो अभी हमारा कॉफ़ी देने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, आज मैं कुछ खाऊँगा नहीं सर, कॉफ़ी पी काम करा लूँगा आज मैं, क्योंकि खाने के बाद ना पूरा एलिए सब पी लेता है। और आज दिन में मैंने हमारा किए रोबोट्स का शाम को कुछ नहीं खाया। Hey guys, I'm back from the office. लेकिन मेरी मीटिंग है 6 बजे एग्जैक्टली, और मैं जलेबियाँ भी लेकर आई हूँ, बट मेरे पास फुर्सत नहीं है उनको खाने की, क्योंकि 6 बजने में जस्ट 5 मिनट है। मुझे देखना है कि मेरे लैपटॉप में जूम है कि नहीं, क्योंकि मैं आज लैपटॉप से मीटिंग लेना चाहती हूँ। पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, क्या ऑप्शन है? बाय द वे, मैं जलेबियाँ भी लाई हूँ एकदम गर्मा गर्म, ये रही सनस्क्रीन की, बट इन्हें खाएंगे यार थोड़ी देर में, पानी भी लेते हैं। मीटिंग में भी 10 मिनट है, उसे कम करते हैं, जलेबी खा लेते हैं और खराब हो जाएंगी वरना घर में। ये लो, आप लोग भी व्यू देखो, जलेबी बहुत अच्छी थी, मैंने टेस्ट की थी ना। एक जलेबी के अंदर जो होना चाहिए, क्रिस्प, मिठास, पतलापन, हर चीज़ इसमें। वो इतना इशू आता था गाइस, मेरी मैच बॉक्स है ना ख़त्म हो जाती थी। एक तो मेरे से तिल्लियाँ जलती नहीं है, और ना जलने की वजह से क्या होता है कि सारी तिल्लियाँ ख़त्म हो जाती हैं झटाक से। सब मैं पूरा का पूरा डिब्बा लाई हूँ, देखा 1 रुपये की मैच बॉक्स थी, मैंने कहा अपना डब्बा दे दो 10 रुपये का, ताकि मेरे को तिल्लियाँ बिल्कुल नहीं जलती मेरे से, और मैंने कहा वेस्ट भी होंगी जो भी होगी, बट मेरी मैच बॉक्स ख़त्म नहीं होगी। सो शुरू करते हैं रोटी बनाना। ये मैंने अपनी बन्नी रख दी है मिक्स वेज, जिसमें चम्मच से सब्जी बनाती हूँ। सो इसमें है गाजर और मटर और आलू। सो मेरा यार बिना सब्जी के पेट नहीं भरता, और रात को सूखी सब्जी खाना प्रेफर करती हूँ। सो अब लिड लगा के इसको रख देते हैं। सो हमने इसको लिड लगा के रख दिया है अच्छे से, ताकि ये स्टीम होके बन जाए, और ये हम इसके अंदर से देख सकते हैं उबल रही है। सुबह मेरा दूध फट गया था, ये उसका पनीर बन गया है, अब इसको डालेंगे। Here we go. Hi all, there my press. So मैं अपने पीजी में दूसरी लड़की से प्रेस मांग के लाई हूँ, भारी भरकम प्रेस है। चलो कपड़े प्रेस करते हैं। आज मेरे को ड्यूटी मिली है कि इस ज़ीरा को मैं भून के अपने रायते के लिए तैयार करूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस तरीके से इसको भून रहा हूं, और इसको 4-5 मिनट थोड़ा सा, मतलब गैस को थोड़ा सा लो करके, ये देखो, और मैं इसको अभी भून रहा हूं, और देखते हैं कि ये, वैसे मैं ज़िंदगी में मैंने टिंगू इंस्पेक्शन करते हुए इस ट्रक की, क्या टिंगू जी इसके अंदर आपको क्या ड्रग्स मिली हैं या कुछ और मिला है? ओहो, इंस्पेक्टर साहब की अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने अपने स्टैंप भी लगा दिए। सर्दियों में पसीने आ रहे हैं, टेल यू, राजीव चौक पे क्या हुआ कि मेरी मेट्रो खड़ी हो गई पूरे 7 मिनट के लिए, और मैं पूरे 5:20 पे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे थी, और 22 में वहाँ अभी लीव नहीं रही। मैं 4 मिनट में नई दिल्ली मेट्रो से यहाँ पे आई हूँ, और मुझे सर्दियों में ना भयंकर पसीना, मैं लिटरली भाग रही थी कि हट जाओ मेरी ट्रेन छूट रही है, हट जाओ मेरी ट्रेन छूट रही है, और आई हूँ तो ट्रेन अभी तक आई नहीं है, अभी अनाउंसमेंट ही हो रही है ट्रेन की, हमें ट्रेन से भी पहले आ गई है। ये देखो बेशरम ट्रेन, वो आ रही है। आज मैंने ट्रेन को भी हरा दिया पहली बार, यूजुअली मैं मेट्रो को हराती हूँ, आज ट्रेन को हरा दिया। सो ये रही ट्रेन मेरे बाद में। फाइनली मैंने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है ट्रेन से पहले पहुँच के, और मैं एकदम उल्टी डायरेक्शन में हूँ, 60 की तरह उल्टा जाना है,
यहाँ पे लोग बीच में सामान रखने लग गए हैं। तो जल्दी से पहुँचते हैं अपनी सीट की तरफ। यार बीच थर्टी फाइव। चल, बचपन में हमें सीट के लिए लड़ते थे बहुत, मैं और राजू के बीच में बैठेंगे बीच में। फिर आज बहुत सालों के बाद हमें यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सेंटर में सीट मिली। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9:30। एक बार मैं सुबह 9:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे आया था मंडी के छोड़ने के लिए, और अभी मैं दोबारा से प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और ट्रेन बस आ ही रही है। भिवानी तो पहुँच चुकी है, सामने प्लेटफॉर्म पे मेरे को दिखाई दे रही है। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं। ट्रेन आ रही है, अभी दिखाई दे रही है दूर से आती हुई। ये देखो, ये जो लाइट दिख रही है ये ट्रेन की है, और ये है अभी यहाँ से लगभग 200 मीटर पीछे आ जाएगी एक मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे। और स्लो स्लो चल के आ रही है ट्रेन, ये देखो बहुत स्लो आ रही है, भी दिखेगी शायद पीछे। और दूसरे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन चल पड़ी है। पहले मेरे को लगा था कि शायद वो वाली ट्रेन है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी देखा था कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो खड़ी है वो ट्रेन पहले आ जाती है, लेकिन हम कंफ्यूज हुए। ये ट्रेन आती है गुड़गांव से होते हुए, वो आती है रोहतक के रास्ते से, तो इसलिए इनके थोड़ा टाइम का जो गैप है वो मेरे ख्याल से होता होगा, क्योंकि गुड़गांव वाला रूट जो है वो थोड़ा लंबा पड़ता है और रोहतक के रास्ते वाला जो है वो थोड़ा छोटा पड़ता है। दिल्ली से चल के गुड़गांव रेवाड़ी के रास्ते होते हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, ये देखो। अभी इसके ट्रेन के शोर में ना मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी मैं ना फ़ोन के बिल्कुल पास मुंह ला के जिसका माइक है वहाँ पे बोल रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग होगी। Here we go.